सिमरिया में बच्ची की मौत, स्कूल बस द्वारा दुर्घटना में आक्रोश और सुरक्षा के महत्व की चर्चा। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना के बाद ग्रामीणों और स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश और दुख भरा है। एक स्कूल बस ने मासूम बच्ची को रौंद दिया और इस हादसे में त्रिवर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। घटना के बाद सिमरिया बसामन मामा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करने में उतर आए हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कड़ी कार्रवाई की है और चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। दुखद हादसा। घटना के मुताबिक सिमरिया स्कूल बस शनिवार की सुबह 8 बजे खारा मोड़ पहुंची, जिसमें कई छात्र शिक्षा के लिए सिमरिया जाने थे। बच्चों को सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी इस स्कूल बस के चालक पर थी। त्रिवर्षीय बच्ची का दर्दनाक अंत। तभी एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें सोनू साहू नामक त्रिवर्षीय बच्ची को स्कूल बस ने रौंद दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और उसके सिर और छाती में गंभीर चोटें हुई। यह घटना स्थानीय लोगों के लिए दुखद और चौंकाने वाली है और उनका आक्रोश अत्यंत है। ग्रामीणों का आक्रोश। घटना के बाद ग्रामीण सिमरिया व सामन मामा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिए, जिसमें उन्होंने स्कूल बस चालक के खिलाफ कठिन कदम उठाया। उनकी मांग थी कि आरोपी स्कूल बस चालक को जेल भेजा जाए और परिजनों को मुआवजा दिलाया जाए। पुलिस की कड़ी कार्रवाई। सिमरिया पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कदम उठाया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्रवाई की। वे बस को जब्त कर थाने में ले जा रहे हैं और चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने मृतक बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जिससे सच्चाई का पता लग सके। स्थानीय विधायक की पहुंच। घटना के बाद स्थानीय भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी ने मामूली मुआवजा दिलाने के लिए परिजनों को समझाते हुए उन्हें समर्थन और सहायता की बात की है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बात करने का आश्वासन दिया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुरक्षा का महत्व। यह घटना हमें फिर से सुरक्षा के महत्व को समझने के लिए याद दिलाती है। सभी लोगों को सड़कों पर सावधान रहने और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सलाह दी जाती है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए सड़कों पर चलते समय सतर्क रहें और अपने साथियों को भी सुरक्षित रखने का संकल्प लें। साक्षरता और जागरूकता आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आपको सड़क पर होने वाली ऐसी घटनाओं से बचाने में मदद कर सकते हैं। पुलिस और सरकार के साथ मिलकर सुरक्षा के मामले में अपना सहयोग भी दें और अपने आसपास की घटनाओं की सूचना देने का काम करें। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, इसलिए सड़क पर सुरक्षित रहने के उपायों को सीखें और अपने परिवार को भी यह सिखाएं। हम सभी को सुरक्षित रहने की कठिनाइयों का सामना करना होता है, लेकिन हम साथ मिलकर इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और हमारी समृद्धि और सुरक्षा की सुनिश्चित रूप से रख सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।